हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेहा रुपेता। सो गाइस, आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन कॉर्न सूप, जो कि बना रही है मेरी बहन। और फाइनली कराची में सर्दी आ गई है गाइस, फाइनली इट्स सूप सीजन। तो आज हमारी किचन में सर्दी का पहला सूप बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। मेरी बहन की रेसिपी जो है वो अच्छा बनाती है, तो लास्ट ईयर भी मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना, पर सर्दियों में होता नहीं है ना, और मेरी तबीयत भी आजकल बहुत ऑफ चल रही है। मैंने कहा नहीं यार, रेसिपी बनाएंगे सब ट्राई करेंगे ये सूप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। चिकन यहाँ पे बॉयल हो चुका है और ये बॉयलिंग वाटर है उसका, उसके अंदर हमने ये भी डाला था, उसके अंदर गर्म मसाला और दालचीनी थी जिससे चिकन की स्मेल निकल जाती है। और अभी ये पानी बॉयल हो रहा है और वो कटिंग हो रही है चिकन की। अब बॉयलिंग वाटर में हम एक कप कॉर्न्स का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हमने कुछ ज़्यादा डाले। मैंने इतनी सर्दी आ गई है, अंदाज़ा लगा लें आप क्यों बन रहा है आज सूप घर में, एमरजेंसी क्यों आ गई है। बीमार ये तो देखो, पता नहीं क्या क्या पहना हुआ है इसने। इसके बाद हम ये डालेंगे चिकन कॉर्न स्टॉक विथ रियल चिकन, ये वाला अंदर से ऐसा दिखता है। एक ही डालना है। अब मैंने इसके अंदर स्टॉक डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब बारी आती है चिकन डालने की, जो हमने खुद कट किया था बॉइल्ड चिकन। यहाँ पर हमने हाफ कप ऑफ वाटर लिया है, उसके अंदर हम 5 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर डालेंगे फॉर थिकनेस ऑफ सूप ऑफ कोर्स। अब इसमें आराम आराम से डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अभी हमने इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर डाला है, जो कि क्लिक मसल कॉर्ड नहीं हुई है, सो आप लोग डाल देना। एक हमने एग उठाया, उसको बीट किया अच्छे से। अब बीट करने के बाद इसके अंदर डालेंगे सूप के, इसको हमने लेयर्स में डालना है, इसे पूरे में थोड़ा और इसकी लेयरिंग करनी है ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करने देंगे। नाउ हियर कम्स द लास्ट स्टेप, इसके अंदर हम सॉसेस डालेंगे। पहले चिली सॉस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाती है तो तभी ज़्यादा डालेगी सारी, तो आप इसको आप फॉलो नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं स्पाइसी लवर कर सकते हैं। अभी सोया सॉस जा रहा है इसके अंदर, लास्ट में इसके अंदर जाएगा विनेगर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी जो सॉसेस है वो आपस में कंबाइन हो जाए। सूप इज रेडी। खुशी चेक कर, अच्छा लग रहा है दिखने में, हम आप भी ज़रूर ट्राई करना गाइस। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, do give me a thumbs up and tell me in my comment section if you like it or not. I'm not feeling well, I'm sorry. ज़रूर try करिएगा, अभी try करिएगा, क्योंकि सर्दियाँ कराची में बहुत कम आती हैं, कम time के लिए आती हैं। So yes, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। Bye bye.